पश्चिम बंगाल में ईडी के एक्शन पर घमासान मचा हुआ है। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है, 48 घंटे में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करे पुलिस। ये ईडी की तरफ से अल्टीमेटम है, शाहजहां शेख को गिरफ्तार करके पुलिस सौंपे। राशन घोटाला का दूसरा आरोपी है शंकर आध्या, गिरफ्तार हो चुका है और शाहजहां शेख के बारे में अल्टीमेटम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दिया गया है। 48 घंटे का वक्त और है पुलिस के पास, पुलिस गिरफ्तार करके सौंपे। शंकर आध्या की बेटी ने TV9 पर कहा, मेरे पिता बेगुनाह हैं। शंकर आध्या की बेटी का बयान, पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि शंकर आध्या राशन घोटाले का आरोपी और TMC का नेता है। शंकर आड्डो को ईडी ने गिरफ्तार किया है और उनका बेटी ऋतुपर्णा आड्डो हमारे साथ है। ऋतुपर्णा, दो सवाल है आपके, क्या ये साजिश है? क्या ये साजिश है? अभी कुछ नहीं बस। लेकिन क्या लगता है, आपका पिताजी ने ऐसा कुछ किया था कि ईडी ने गिरफ्तार किया? नो। तो फिर क्या ये साजिश है केंद्र सरकार का? क्या है ईडी का साजिश है? किसका साजिश है? क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या लगता है आप बताइए, आप खुल के बताइए, खुल के बताइए प्लीज। देखिए, अच्छा तो ऋतुपर्णा आड्डो यहाँ पे है, वो कहा कि उसका पिताजी ने कुछ नहीं किया है, ये पूरा साजिश है और वो अभी कुछ नहीं बताना चाहते। आप देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पे है, वो निकल जा रहे हैं शंकर आड्डो को अभी ESI हॉस्पिटल, ये जो जोका ESI हॉस्पिटल है वहाँ से उनको लेके यहाँ पे बैंकशाल कोर्ट में लेके जा रहे हैं। और बंगाल में ईडी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, शाहजहां शेख के केयर टेकर ने दी शिकायत, ईडी पर बिना वारंट के रेड का लगाया आरोप। TMC ने ईडी के एक्शन पर हुए बवाल पर सवाल खड़े किए हैं। TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ईडी ने अगले 48 घंटे में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के बारे में सूचित किया है। शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर ईडी को सौंपने की बात कही गई। कुणाल घोष के मुताबिक ईडी पहले ही नियमों के मुताबिक चलती तो अराजकता नहीं होती। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल से ईडी की छापेमारी के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बंगाल के उत्तर 24 परगना में रेड करने ईडी की टीम TMC नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची तो बवाल खड़ा हो गया। हिंसा पर उतारू भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमले शुरू कर दिए, ईंट और पत्थर फेंकने लगे। हमले में एक अधिकारी को काफी चोटें आईं, सरकारी वाहनों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि शाहजहां शेख को बाद में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं ईडी अधिकारी पर हमले के बाद बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग भी की है। इस बवाल के बाद बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी तो कुछ नेता पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमले पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, इस पर भी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है, वहां किम जोंग उनकी सरकार चल रही है। कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री जाते हैं उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं, तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। वहां पर ईडी के लोग जाते हैं, जो इंक्वायरी चल रही है, कई मामले हाईकोर्ट के निर्देश में चल रहे हैं, वहां पर ईडी के लोगों पर हमला होता है। और यही लोग हैं जो मोदी के खिलाफ कहते हैं संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन कर रहा है संविधान का खिलवाड़? ये नहीं चाहते हैं कि जांच हो, क्योंकि जांच होगी तो इनके और घपले पकड़े जाएंगे।